वेलकम बैक टू कुकिंग का तड़का। आई एम कंचन अग्रवाल। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंगाड़े का अचार। पानी में उगने वाला सिंगाड़ा न केवल स्वाद ही बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे बनाना स्टार्ट करें। ये आधा किलो सिंगाड़े ले लिए। इसको ऊपर से हम इस तरह से डंठले काट के दो सीटी लगा लेंगे कुकर में डाल के, सीटी लगा के उबाल लेंगे। इन्हें हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इन्हें हम कुकर में डाल के दो सीटी लगा लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इनको हम उबाल लेंगे। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। फिर इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ये जो सिंगाड़े हमने उबाले थे, इसको उबाल के दो सीटी लगा के मैंने इनको छील लिया है। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। 1/4 टेबल स्पून हम इसमें जीरा डालेंगे और थोड़ी सी 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई राई इसमें हम ऐड कर देंगे। जीरा हमारा भुन गया है, राई भी हमारी भुन गई है, तो हम इसमें सिंगाड़े ऐड कर देते हैं। 1/4 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून धनिया, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून सौंफ, नमक स्वाद के अनुसार। इनको सब हम मिक्स कर देते हैं। ये बहुत जल्दी तैयार होने वाला अचार है और बहुत टेस्टी लगता है। हम इसे दाल के साथ, सब्जी के साथ खा सकते हैं। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। 3-4 हरी मिर्च मैंने लंबी स्लिट में काट ली हैं, इन्हें मैं इसमें ही मिक्स कर देती हूँ। सिंगाड़ा दोस्तों अस्थमा के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है और प्रेग्नेंट लेडी और बच्चे दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आधा नींबू हम इसमें निचोड़ देंगे। नींबू नहीं है तो आप इसे खटाई भी, आमचूर पाउडर या खटाई जो भी आप बोलते हैं, 1/2 टेबल स्पून वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें आधा नींबू ऐड कर दिया। अब इसे मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। 1 मिनट बाद मेरा ये इंस्टेंट चिकन बन के तैयार हो जाएगा। 1 मिनट हो चुका है दोस्तों। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये देखिए हमारा इंस्टेंट चिकन तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।